हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। तो देखो, आपका ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 8^x + 27^x, 12^x + 18^x = 7/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो आप इसको 2^3 × x ये लिख सकते हैं, और प्लस आपका ये 3^3 × x, आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका 2^2 × 3^x, और इसको आप लिखेंगे तो ये आपका 3^2 × 2^x = 7/6। अब देखो, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का रूल है कि x^m और 2^n = x^m × n, ये रूल हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो अब मैंने क्या किया है कि ये x यहाँ और 3 यहाँ कर देता हूँ। इट मीन्स आप जो है इसको लिख सकते हो 2^x³, और इसको लिख सकते हो आप 3^x³ अपॉन, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका 2x^2 और 3^x, यहाँ पर आपका a × b और 2^n एक्सपोनेंट का रूल है, तो ये आपका दोनों की पावर हो जाती है an और bn। तो मैंने इस रूल को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और प्लस ये आपका 3^3 तो 3x^2 और 2^x = 7/6। अब देखो, यहाँ पर मेरे को कि दो डिफरेंट नंबर दिखाई, टू मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं, 2^x और 3^x। तो मैंने इसको तो मैंने a लिया हुआ है और इसको मैंने b लिया हुआ है। तो आपकी जो इक्वेशन होगी इन एल्जेब्रिक फॉर्म, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी a³ + b³ अपॉन ये आपका a²b और प्लस ab² = 7/6। अब मैं इसकी यदि फैक्टर करता हूं तो आपका जो a + b³ के फैक्टर होंगे a + b और a² + b² और -ab, ये मैंने a³ + b³ के फैक्टर लिख दिए। और डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया है कि ab जो है कॉमन निकाला है, तो ये आपका ab कॉमन है यहां से, तो आपका a + b और = 7/6। अब a + b से आपका a + b कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आपकी जो इक्वेशन होगी 6a² + 6b² - 6ab = 7ab, और इस ab को मैं इधर लेके आता हूं तो आपका हो जाएगा 6a² प्लस, तो ये मैं पहले ab का टर्म लिखता हूँ, तो -13ab और +6b² = 0। अब मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 36 के फैक्टर करता हूँ तो 9 और 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आपका ये 6a² और -9ab -4ab और +6b² दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इससे मैंने कॉमन निकाला आपका 3a कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो ये आपका मिलेगा 2a - 3b, और यहाँ से मैंने 2b निकाला तो ये आपका 2a - 3b = 0। अब आपने 2a - 3b कॉमन निकाला है और ये आपका 3a - 2b = 0। अब या तो ये 0 होगा तो मीन्स 2a = 3b, और ये जब 0 होगा तो 3a = 2b। अब मैंने जो एज्यूम किया था आपका a और b, मैं उसको लेके चलता हूँ यहाँ से। तो मैंने देखो, आपका जो a लिया था वो आपका 2^x, तो इसका मतलब है 2^a मैंने लिया है 2^x = 3b, तो 3 × b लिया है मैंने 3^x। अब यहाँ मैं बेस सेम है तो पावर ऐड करूँगा, तो मीन्स 2^x + 1 = 3^x + 1। अब ये देखो, मैं हिट एंड ट्रायल से यहाँ देखता हूँ, यदि मैं आपका देखो यहाँ पर कोई भी एक्स की यदि वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 डालते हो, तो 1 डालेंगे तो ये वैल्यू आपका
टू का स्क्वायर होगा या थ्री का स्क्वायर होगा, थ्री डालेंगे तो टू का फोर, वो आपका इक्वल नहीं मिलेगा। तो यहाँ में टू की पावर जीरो, ये मेरा यदि जीरो बन जाता है तो टू की पावर जीरो और थ्री की पावर जीरो दोनों आपके वन हो जाएंगे। इट मीन्स मेरा जो एक्स प्लस वन है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक तो आपका आंसर ये होगा। यदि आपने इस ब्रैकेट को थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री टू द पावर एक्स। अब मैं टू को इस इधर लेके आता हूँ और थ्री को इधर लेके जाता हूँ, इट मीन्स ये आपका टू टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन। अब देखो मैं यहाँ जीरो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये जीरो बनेगा तभी, तो एक्स माइनस वन यदि जीरो बनेगा तो देन एक्स विल बी इक्वल टू वन। तो इट मीन्स जो आपके इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा x इज इक्वल टू आपका वन होगा और x इज इक्वल टू माइनस वन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मीन्स ये आपकी जो ओलंपियाड प्रॉब्लम्स हैं, आप ओलंपियाड का जो टेस्ट देते हैं उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू टू फोर टू द पावर x माइनस नाइन टू द पावर x, टू टू द पावर x माइनस थ्री टू द पावर x इज इक्वल टू फाइव। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको टू स्क्वायर, सिमिलर अभी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह से x माइनस थ्री स्क्वायर टू द पावर x अपॉन, अब यहाँ से आपका टू टू द पावर x और माइनस थ्री टू द पावर x इज इक्वल टू फाइव। अब ये टू में बाहर कर दूंगा तो ये आपका टू टू द पावर x होल स्क्वायर और माइनस थ्री टू द पावर x होल स्क्वायर अपॉन टू टू द पावर x माइनस थ्री टू द पावर x इज इक्वल टू फाइव। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके आपके फैक्टर हो जाते हैं, तो ए प्लस बी तो टू टू द पावर x प्लस थ्री टू द पावर x इंटू टू टू द पावर x माइनस थ्री टू द पावर x अपॉन टू टू द पावर x माइनस थ्री टू द पावर x दैट विल बी इक्वल टू फाइव। अब देखो आपका ये जो ब्रैकेट है आपका पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यू हैव ओनली टू टू द पावर x प्लस थ्री टू द पावर x दैट विल बी इक्वल टू फाइव। अब देखो मैं हिट एंड ट्रायल से यदि x को यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू जीरो देन टू प्लस x इज इक्वल टू जीरो देन टू टू पावर जीरो एंड थ्री टू पावर जीरो, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू फाइव। ये आपका फाइव की इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये आपका वन होता है और ये वन होता है। अब मैंने देखो यहाँ पर वन पुट किया तो टू टू द पावर वन प्लस थ्री टू द पावर वन दैट विल बी इक्वल टू फाइव, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन। तो वो आपका इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन होगा। तो हम इस तरह से जो है इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपका क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एज वेल एज आपकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। दो आपके इसमें टू का आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, इसमें एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट भी है और आपका एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट भी है। तो हम इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट लॉज उसकी हेल्प से इनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।